संगीत सरिता संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 19वीं कड़ी। इस कड़ी में आज आप सुनेंगे प्रसिद्ध वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम से श्रीमती साधना भट्ट की बातचीत का दूसरा भाग। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई है। संगीत सरिता के श्रोताओं को हमारा नमस्कार, यानी डॉक्टर एन राजम का और मेरा भी। जी हाँ राजम जी, कल हमने हमारे श्रोताओं के साथ ये बातचीत की थी जी, कि आपका गुरुजी के साथ कैसे परिचय हुआ, आप कैसी घबराई हुई थी और आपने मालकॉन्स बजाया। जी हाँ जी हाँ। तो आज हम ये बात करेंगे कि आपने सबसे पहले जो उनसे शिक्षा ली जी, और शिक्षक के रूप में गुरुजी का परिचय कैसे आपको हुआ जी हाँ, अनुभव कैसे रहे जी गुरु शिष्य परंपरा में जी हाँ जी हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। बनारस से लौटने के पहले गुरुजी ने मुझे एक दिन बुलवाया और आदेश दिया कि वहाँ के संगीत विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों के सम्मुख मैं थोड़ी देर बजाऊं। उनकी आज्ञा थी, उसका पालन तो होना ही था। निर्दिष्ट दिन मैं वहाँ गई, सुबह का समय था। वहाँ के तबले के जो अध्यापक थे वे मेरे साथ संगत करने वाले थे। मैंने गुरुजी से राग तोड़ी बजाने की अनुमति मांगी। फिर करीब आधे घंटे तक जो भी मुझे आता था बजाया। केलकर जी ने मुझे एक पारंपरिक और पुरानी बंदिश तोड़ी में सिखाई थी, आपने शायद सुना होगा, बधावा बन लाडली घर आओ। उसे मैंने बजाया, न जाने गुरुजी को क्या महसूस हुआ, खूब खुश होकर स्वयं भी साथ गाने लगे उस बंदिश को और खड़े होकर मेरी खूब प्रशंसा की। और उनका एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहेगा, अपने वक्तव्य में उन्होंने ये भावुक होते हुए ये कहा कि ये बिटिया एक एकलव्य है, क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है गुरु के प्रति, संगीत के प्रति क्या लगन है। इस तरह वो कहने लगे। मुझे बड़ा मन कर रहा है कि मैं तोड़ी की उस बंदिश को एक मिनट के लिए सुनाइए। Thank you.
ये काफी पुरानी बंदिश है, पारंपरिक बंदिश है। राजम जी, बहुत सुंदर बंदिश आपने सुनाई श्रोताओं को। शायद पारंपरिक बंदिशें आजकल कम सुनने को मिलती हैं, और इसीलिए जो भी कलाकार यानी उगते हुए कलाकार इसकी काफी तलाश में भी रहते हैं। जी हाँ। और आपने गुरुजी से ऐसी कई बंदिशें सीखी होंगी। जी हाँ। अपने शिक्षाकाल के दरमियान तो मैं आपसे इसके बारे में कुछ ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा कैसे। जी हाँ। शिक्षा के बारे में। जी हाँ। जैसे मैंने कहा तो उसके बाद शिक्षा, विधिवत शिक्षा जो है शुरू हुई। हम लोग बॉम्बे आ गए थे। विशेष कारण तो यही था कि गुरुजी अक्सर बॉम्बे जाया करते थे और प्रत्येक बार काफ़ी दिनों तक रहते थे। उनके चार पांच घनिष्ठ मित्र थे, वहीं बारी बारी से वह रहते थे और मुझे शिक्षा के लिए बराबर बुलाते थे। एक तो मेरी तीव्र इच्छा, लगन, निष्ठा और घोर परिश्रम करने की मनोवृत्ति, और दूसरी बात 10-12 वर्ष का संगीत का गहरा अध्ययन, जिससे मेरा दिल और दिमाग संगीत की दृष्टि से काफ़ी विकसित था। मेरी ग्रहण शक्ति भी अच्छी थी। इन सबके कारण गुरुजी से शिक्षा के दौरान मेरी प्रगति जो है बहुत ही संतोषजनक रही। गुरुजी बड़े संतुष्ट होते थे और जो भी आते थे सबसे मेरी तारीफ करते थे। जैसे आपने अभी कहा ना, तो मैं कई राग और कई पुरानी बंदिशें वगैरह सीखने के अवसर मुझे प्राप्त हुए। इसी दौरान एक दिन मुझे उन्होंने सुहा सुघराई की परंपरागत बंदिश सिखा रहे थे। कठिन उठान था, उन्हें बार बार गाना पड़ा ताकि मैं उसे आत्मसात कर पाऊं। न जाने कितनी बार गाया दोहराए होंगे। गुरुजी का ये गुण जो है सही में देखने योग्य है। भले ही विद्यार्थी थक जाए, वे एक ही सुरावली को बारंबार गाते हुए वे कभी थकते नहीं। आपको आश्चर्य होगा ठंडी के दिनों में भी बार बार गाते हुए वे पसीने से तर हो जाते थे, फिर भी नहीं छोड़ते थे। और जब तक विद्यार्थी के गले से वो जिस तरह चाहते थे वैसे नहीं निकलता था, तब तक छोड़ते नहीं थे। तो सुहा सुघराई की बात चल रही थी, मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी कि उस बंदिश को जी, जिसको लेकर के गुरुजी को मेरे साथ काफी परिश्रम करना पड़ा और आपको भी छूटे रहना पड़ा ना। बिल्कुल।
जिस स्वरावली को वे बारंबार गाते थे वो ये है। यानी शुरू का इसको इस तान सरीखा पोर्शन को उन्होंने न जाने कितनी बार दोहराया तब जाकर के मेरे दिमाग में बात धीरे धीरे घुसने लगी। अब एक और बंदिश है इसी में द्रुत एक ताल में है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि चूंकि गायकी शैली से बजाना है इस वाद्य से शब्द तो नहीं निकलेंगे फिर भी ऐसा आभास होना चाहिए कि फलाना गाना फलानी बंदिश फलाने शब्द निकल रहे हैं। इसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और गुरुजी ने इस ये भी एक कारण है मुझे गुरुजी बारंबार गा करके शब्दों को यानी सिलेबल्स को किस तरह बो के द्वारा ऐसा महसूस कराया जा सके कि शब्द निकल रहे हैं। यानी आप इस बात को एक और बार देखिएगा प्रत्यक्ष शब्द है तू है मोहम्मद सादर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एन राजम का वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री पुंडलिक भागवत। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 19वीं कड़ी। इस कड़ी में प्रसिद्ध वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम से बातचीत कर रही थी श्रीमती साधना भट्ट, जिसकी रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई।